लेकिन एक समय आता है 2005 का जब मेरी दादी जी का देहांत हुआ देहांत के बाद मानो जैसे मेरा परिवार बिखर गया दिन पे दिन मुझे वो चीज़ें काट रही थी वो चीज़ें परेशान कर रही थी कि मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकती मेहनत करी पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखता था सिर्फ एक चीज़ समझ आती थी कि पढ़ाई वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे उस मुकाम पर ले जा सकती जब आपके रिश्तेदार देखते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हो तो पूरी कोशिशों में लग जाते हैं कि आपका हौसला डगमगा जाए करते 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 मैंने ये डिसाइड कर लिया आप सभी को मेरा नमस्ते मेरा नाम समीक्षा भाटिया है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ मेरी जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है पर कभी मैंने उन उतार चढ़ाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया मेरा हौसला इतना बुलंद था मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी शायद उसी का यह नतीजा है कि कंपनी सेक्रेटरी जैसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है उसको मैंने ऑल इंडिया फोर्थ रैंक के साथ क्रैक किया मैं एक ज्वाइंट फैमिली में पली बढ़ी रही हूँ जिसमें तकरीबन सात आठ लोग थे बहुत लाड प्यार से रहते थे मैं भी बहुत लाड प्यार से रही थी लेकिन एक समय आता है 2005 का जब मेरी दादी जी का देहांत हुआ देहांत के बाद मानो जैसे मेरा परिवार बिखर गया हो सब अपने अपने बारे में सोचने लग गए और जिनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वो मेरे माता पिता थे बंटवारे के बाद ये नौबत आ गई कि जो बिज़नेस मेरे पिताजी के नाम पर था वो उन्हें अपने छोटे भाई के नाम पर करना पड़ा और नौबत ये आ गई कि अब जो सहारा था कमा कमाने का वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट नौकरी रह गई थी दोनों की जिसमें दोनों को बहुत मामूली सी सैलरी मिलती थी दोनों परेशान हो गए थे दोनों अकेले पड़ गए थे दोनों की आंखों में छुप छुप के वो आंसू दिखते थे मुझे कि मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को पालूंगा कैसे मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करूंगा इतनी सी कम सैलरी में या इतनी छोटी सैलरी में मैं और मेरा बड़ा भाई जो कि मुझसे चार साल बड़ा है कैसे हम उनको पालेंगे कैसे हम उनकी पढ़ाई करेंगे इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे सोचते हैं कि हमें ये करना है हम बड़े के वो करेंगे वहाँ मैं अपने माता पिता को टूटते हुए देख रही थी दिन पे दिन मुझे वो चीज़ें काट रही थी वो चीज़ें परेशान कर रही थी कि मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकती मैं उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं ला सकती पर उसका ये नतीजा हुआ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि हाँ अब मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है ऐसे मुकाम पर पहुँचना है जहाँ मैं वो उन्हें वो सारी चीज़ें दे सकूँ जिसका वो सपना देखते हैं जिसकी वो चाहत करते हैं और मुझे ये भी पता था कि इकलौती चीज़ जो ये सारी चीज़ें वो उनको दे सकती है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई थी उनको टूटता हुआ देख के मैं अपने आप को दो राहों पे खड़ा हुआ देख रही थी एक राह मेरे पास ये थी कि मैं उनको टूटता हुआ देख के मैं भी टूट जाती मैं भी हिम्मत हार जाती कि अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकती वो हार गए हैं मैं भी हार जाती और एक राह मेरे पास ये था कि मैं उन दोनों का हाथ पकड़ती दोनों का हाथ पकड़ के एक एक कदम चल के उन्हें एक ऐसे मुकाम पे ले जाती जहाँ वो दोनों अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे खुद से बातें करती थी आंखों के सामने उनका चेहरा दिखता था तब ये पक्का कर लिया कि नहीं खुद से पहले उनको देखना है जहां बच्चे अपने माँ बाप की वजह से अपने पैरों पर पे खड़े होते हैं आज मैं एक ऐसी बेटी हूँ जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को उनके पैरों पर पे खड़े करने की पैसे खत्म हो चुके थे सैलरी थी नहीं फिर भी कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके उन्होंने घर बनाया भले ही टूटा फूटा था उतना पक्का नहीं था लेकिन घर था मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आम बच्चों को जो बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं पढ़ने के लिए वो मेरे पास नहीं है मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सी चीज़ मेरे पास नहीं है सोचने के लिए मेरे पास ये था कि हाँ मेरे पास क्या है और मैं उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकती हूँ पिताजी को काफ़ी समय बात करते हुए सुना था कि चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स एक ऐसा है जिससे आगे जाके आपको सब कुछ मिल जाता है थोड़े साल की मेहनत होती है और आगे जाके आप वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हो जानने लग गई पहचानने लग गई ढूंढने लग गई कि चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स होता क्या है उसी दिन की बात है मेरे टीचर से मेरी बात हुई उन्होंने मुझे कहा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी और तुम लटक जाओगे तुम बीच में अटक जाओगे तुम्हारे पास आगे जाने का ना कोई रास्ता होगा ना तुम पीछे जा पाओगे ना तुम आगे जा पाओगे उससे बेटर है तुम कंपनी सेक्रेटरी के लिए जाओ एक नया शब्द मेरे सामने आया मुझे नहीं पता था कि होता क्या है क्योंकि आज तक कभी मैंने इसके बारे में जाना नहीं था मेरे घर में किसी ने कराया नहीं था दो साल लगे क्योंकि मेरे ट्वेल्थ आने में अभी टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करी जाए जानकारी इकट्ठी करी देखा क्या होता है क्या दे सकता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या करना होगा करते 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 मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मुझे कंपनी सेक्रेटरी करना है पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे रोक के रख लिया उसकी तरफ कि हाँ कंपनी सेक्रेटरी ही करो यही तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकता है जिसकी तुम चाह करती आई हो जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि हाँ मुझे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि बेटा अभी तुम्हारा ट्वेल्थ आने वाला है देखो उसकी तरफ आगे तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ हैं ट्वेल्थ आया मेहनत करी पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखता था सिर्फ एक चीज़ समझ आती थी कि पढ़ाई वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे उस मुकाम पर ले जा सकती है पढ़ोगी तो आगे बढ़ सकती हो पढ़ोगी तो अपने माँ बाप को भी खड़ा कर सकती हो मेहनत करो मेहनत ही तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकती है जो हो सकता था किया उसका नतीजा ये हुआ कि ट्वेल्थ में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि उन अच्छे नंबरों से पास होने से मुझे तीस हजार रुपये की कुछ रकम मिली थी जिसको हम आज की डेट में स्कॉलरशिप बोलते हैं बहुत खुश थी मैं जहाँ ट्वेल्थ के रिजल्ट आने की खुशी तो थी थी पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि हाँ मुझे वो तीस हज़ार रुपये मिले हैं जिससे मैं अपने पिताजी की हेल्प कर सकती हूँ ट्वेल्थ निकला बच्चे बहुत खुश थे बच्चे डिसाइड कर रहे थे कि हाँ मैं जो इतने बड़े कॉलेज में जाना है मेरे दोस्त थे कि हाँ मुझे कानपुर से बाहर जाना है दोस्त अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे और एक तरफ मैं थी जो मैं डिसाइड कर रही थी कि हाँ मुझे उन तीस हज़ार रुपयों को यूज़ कैसे करना है अब माता पिता की आदत होती है कुछ नई चीज़ होती है तो वो सबसे पहले जाके बाहर से डिस्कस करते हैं सबको बताया उन्होंने कि हाँ मेरी बेटी ये करना चाहती है ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो सब बहुत खुश थे रिश्तेदार सब आ रहे थे बधाइयाँ दे रहे थे माता पिता को बहुत खुश थे तो माता पिता भी बता रहे थे कि हाँ आगे जाके ये करना चाहती है उस टाइम पे मैंने एक चीज़ और नोटिस करी एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि जब आप देखते हो ना जब आपको पता चलता है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो जब आपके रिश्तेदार देखते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हो तो वो पूरी कोशिशों में लग जाते हैं कि आपका हौसला डगमगा जाए आप हिम्मत हार जाओ आपको लग जाए कि हाँ ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती ये चीज़ तो ये लड़की कर ही नहीं सकती वही हुआ मेरे रिश्तेदारों को जब पता चला कि ये लड़की कंपनी सेक्रेटरी जैसा कोर्स करने जा रही है तो उन्होंने मेरे माता पिता के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि ये कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इसे निकाल पाते हैं पता नहीं ये निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी इसको बोलो कि ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ना करके ये ग्रेजुएशन कर ले या फिर एमबीए कर ले इसको ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी या फिर बहुत इंटेलिजेंट है तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर ले वो ज़्यादा सिक्योर होती है बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरा हौसला बहुत डगमगाने की कोशिश करी अब इतने लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तो माता पिता के दिमाग में भी एक चीज़ बैठ गई कि हाँ बेटा तुम ठीक कर रही हो या नहीं कर रही हो वो मुझसे पूछने लग गए कि ये चीज़ होती क्या है तुम्हें दे सकती है कि नहीं दे सकती है वो चीज़ जिसका तुम सपना कर रही हो समझ नहीं आ रहा था माता पिता को कैसे समझाऊं कैसे उन्हें बताऊं कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि जो मैंने सोचा है अपने लिए प्लीज़ उस पर विश्वास रखो मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो रास्ता मैं उस पर खड़ी होने वाली हूँ और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं ये सब के लिए है अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लिया है कुछ सोचा है तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं चीज़ मैं आगे जाके करना चाहती हूँ तो उसको करो क्योंकि अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ आप कर सकते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो उसके ऊपर चाहे आपकी जितनी भी मेहनत लगे चाहे आपकी जितनी भी हिम्मत लगे करीब दो जुलाई 2016 में मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें जितने भी पैसे लगे वो मैंने खुद दिए हैं मैंने अपने पिताजी से एक रुपया भी नहीं मांगा शायद इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही खुश थे कि हाँ अपनी बेटी आज खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की ट्राई कर रही है जब मैंने अपनी कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की शुरुआत करी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए जो मेरे पास टाइम है मैं उनको खाली ज़ाया नहीं देना चाहती या करना नहीं चाहती तो मैं उस के समय को कैसे यूटिलाइज़ करूँ मैं कैसे उस समय को यूज़ करूँ तो मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया मैं प्लस टू के बच्चों को पढ़ाती थी और इससे करीबन मुझे ढाई हज़ार रुपये महीने के मिलते थे ढाई हजार रुपये जो महीने के मुझे मिलते थे उसमें पाँच सौ रुपये मैं अपने महीने के खर्च के लिए रखती थी बाकी दो हजार रुपये भी मैं अपने पिताजी को देती थी कि शायद तिनके तिनके से समंदर बन जाए शायद उस छोटी सी रकम से उनका बहुत बड़ा सपना सच हो जाए चाहे वो उसके जोड़ रहे हों चाहे वो उसको खर्च कर रहे हों पर उनके सर से वो एक टेंशन हट जाएगी ऐसे टाइम पर एक चीज़ होती है कि आप खुद के दोस्त होते हो जितनी बातें आप खुद से कर लेते हो शायद ही कोई आपसे करता होगा खुद को समझाया खुद से बात करी हिम्मत फिर ट्रबल हुई हिम्मत फिर बढ़ी और डिसाइड किया कि हाँ सी एस करना है भले ही चाहे जितनी मेहनत लगे करना है उस मेहनत का नतीजा ये था कि दिन में भले ही मुझे बारह बारह तेरह तेरह घंटे की पढ़ाई करनी पड़े मैंने सी एस एग्जीक्यव क्लियर किया पढ़ाई करी सी एस एग्जीक्यूव क्लियर हुआ सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे कानपुर शहर में करीबन चार सौ साढ़े चार सौ बच्चों ने इस चीज़ को अटैम्प किया था उसमें से सिर्फ तीन बच्चे पास हुए थे जिसमें से खुशनसीब मैं भी थी आगे बढ़ती गई बहुत खुश थी माता पिता भी बहुत खुश थे पर एक पॉइंट आया जहां आप खुश भी होते हो लेकिन दिक्कतें आपका इंतजार कर रही होती हैं मुश्किलें आपका इंतजार कर रही होती हैं कि आप आओ हमें देखो कि हाँ अभी आप जितना खुश हो रहे हो दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई मुश्किलें अभी फिर भी हैं मुश्किलें अभी फिर भी बाकी हैं हुआ यही तीन बच्चे सिर्फ कानपुर से पास हुए थे तो जितनी भी कोचिंग थी उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया था वो कह रहे थे कि हम बैचेस ही नहीं बना सकते फिर अकेली पड़ गई थी कि क्या करूं दो महीने तीन महीने कैसे कैसे काटूंगी बहुत बातें करी बहुत रिक्वेस्ट करी बट फिर भी वो तैयार नहीं हो रहे थे दो महीने कुछ ऐसे ही निकल गए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं धीरे धीरे करके फिर दोस्तों से बातें करनी शुरू करी फ़ोन करने शुरू किए क्योंकि ऐसा एक कोर्स था ऐसी एक स्टेज थी जहाँ मैं कोई भी रिस्क ले नहीं सकती थी कोई भी ऐसी चीज़ मैं ले नहीं सकती थी जिससे मैं डगमगा आ जाऊँ जिससे मैं टूट जाऊँ जिससे मेरी हिम्मत टूट जाए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सपना मेरे बिल्कुल पास आते हुए मुझसे फिर दूर चला जाए अभी मैं उसके बहुत पास हूँ अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली तो शायद मैं उसको पा जाऊँगी मैंने फ़ोन करने शुरू किए अच्छी बात यह हुई कि मैंने शायद अपने दोस्तों में से चार पाँच दोस्तों को इकट्ठा कर लिया चार पांच दोस्तों को जब इकट्ठा किया तो कोचिंग में भी बात करी क्लासेस में भी बात करी और वो तैयार हो गए जून में मेरे एग्जाम एग्जाम्स थे नवंबर में आके मेरी कोचिंग से स्टार्ट हुई एक्चुअली मैं पढ़ना स्टार्ट हुआ जो सितंबर और अक्टूबर का महीना था क्योंकि अगस्त में, में मेरा रिजल्ट आया था वो पूरी तरीके से मेरे वेस्ट हो चुके थे अगेन दो राह थे मैं ऐसे दो राहे पर खड़ी थी कि मैं क्या करूँ या तो मैं उन छः महीने का इंतज़ार कर सकती थी या मैं अगेन अपनी हिम्मत को दोबारा प्रबल करके मैं ये डिसाइड कर लेती कि हाँ मुझे ये कोर्स ख़त्म करना है और इन्हीं पाँच महीनों में ख़त्म करना है चाहे कुछ भी हो जाए जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी वो तो मैंने अपने तीस हज़ार रुपये में से दे दी थी बट जो क्लासेस की फीस थी जो फिर भी बाकी थी वो मैं कहाँ से लाती मैं भी परेशान हो चुकी थी पता चला कि हाँ कुछ सेविंग्स बचा के मैंने रखी हुई हैं जो मैं बच्चे पढ़ा रही थी उनसे पिताजी ने भी कहा हाँ मेरे पास भी मेरी कुछ सेविंग्स हैं इकट्ठा किए बट वो इकट्ठा भी उतने नहीं थे जितने मेरी क्लासेस के लिए हो जाते तो मैंने अपनी क्लासेस में बात करी शायद किस्मत अच्छी थी और सपने के लिए हिम्मत कुछ ज़्यादा बड़ी थी तो सारी दिक्कतें भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई क्लासेस भी तैयार हो गई कि आप जितने पैसे हैं आप हमें इंस्टॉलमेंट में देने के लिए शुरू हो जाओ इंस्टॉलमेंट में दे दो, दो या तीन महीने में दे दो आप हमें कोई दिक्कत नहीं है मैंने किसी चीज़ के बारे में भी सोचा नहीं सिर्फ दिमाग में इतनी चीज़ थी कि हाँ मेरी माँ कितनी चाहतों को मारते हुए आज तक आई है मेरे पिताजी ने कितनी चाहतों को मारा है कितनी ऐसी चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी पर उन्होंने सब छोड़ दी सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए मम्मी को कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो चाहिए थी पर उन्होंने अपनी सारी चाहतों को मार दिया सिर्फ मेरे लिए मेहनत करती चली गई एग्ज़ाम आए हाँ थोड़ी मेहनत थी जो तेरह घंटे में पढ़ती थी वो बढ़ के अब पंद्रह से सोलह घंटे हो गए थे बट कभी मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया हिम्मत पूरी मजबूत रखी अपने आप को पूरा मजबूत रखा एग्ज़ाम दिए और अगस्त 2019 में, में मेरा रिजल्ट आया जब मैंने वो रिज़ल्ट देखा तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि हाँ मैंने ये चीज़ कर दिखाई है मैंने देखा कि मैंने पूरे नौ के नौ सब्जेक्ट एक अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं और साथ ही साथ मैंने ऑल इंडिया फोर्थ रैंक भी क्रैक करी है और पूरे कानपुर में सिर्फ तीन बच्चे थे पूरे भारत में सिर्फ ग्यारह बच्चे थे जिसमें से मैंने चौथी रैंक पाई है हर किसी के जिंदगी के अपने अपने संघर्ष होते हैं किसी के छोटे होते हैं किसी के बड़े होते हैं पर वो संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं कमज़ोर नहीं एक बार को मैदान में हारा हुआ इंसान भी लड़कर जीत सकता है पर अगर आपका मन हार गया तो आप कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जिसका आपने सपना देखा है जितना बड़ा आपके सपनों का आसमान होता है उतने ही बड़े अपने हौसले भी रखो उतने ही बड़े अपनी बुलंदियां भी रखो उतनी ही बड़ी अपनी हिम्मत भी रखो देखो आप वो हर मुकाम हासिल कर जाओगे जो आपने सोचा है आपके सारे सपने सच होंगे आपके अपनों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट होगी वो चमक होगी जो आप हमेशा से देखना चाहते थे यही कह के मैं आपसे इजाजत चाहूंगी शुक्रिया इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें